दोस्तों जय हिंद। दिनों दिन देश के हालात बदलते जा रहे हैं और बदलने इसलिए लगा है क्योंकि अब नरसंहार की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा दुनिया बोल रही है और दुनिया के वो पत्रकार बोल रहे हैं जिन्होंने रवांडा जैसे नरसंहार के होने से पहले दुनिया को आगाह कर दिया था, यानी भविष्यवाणी कर दी थी कि रवांडा में एक बड़ा नरसंहार होने वाला है। और ठीक वही लोग अब कह रहे हैं कि भारत में भी एक बड़ा नरसंहार होने वाला है, किसी भी वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और भारत एक बड़ी तबाही और नरसंहार के दहाने पर खड़ा है, किनारे खड़ा है। यहां पर कभी भी नरसंहार की बातें सामने आ सकती हैं, नरसंहार की घटनाएं सामने आ सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जंग और आतंकवाद से जुड़े मामलों के एक बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं जिनका नाम है पत्रकार सीजे वर्लमैन। ये कोई ऐसे वैसे पत्रकार नहीं है, इन ये अक्सर जंग और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर बहुत ही बारीकी और पैनी नजर रखते हैं। इनका एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के छपने के बाद इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि भारत इस वक्त रवांडा के नक्शे कदम पर चल रहा है। रवांडा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ था, भारत ठीक उसी पैटर्न पर चल रहा है। भारत में एक खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हर मामले में उसी मजहब को दोषी ठहराया जा रहा है, उसी मजहब को एकदम देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी साबित करने की कोशिश हो जाती है। हर मामले में पाकिस्तान नाम का एक हवा खड़ा किया जाता है और हिंदू खतरे में है जैसे जुमले उछाले जाते हैं, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में क्या होने वाला है और हमारा देश कौन सी बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा नरसंहार का खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है, ये बात अब ढकी छुपी नहीं है और ये बात अब समझाने बताने लायक नहीं है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि उस कौम का नाम है मुसलमान। तो मुसलमानों के ऊपर भी बड़ी आफत आ सकती है और इन्होंने ये बात कह दी है, यानी कि सीजे वर्लमैन, इन्होंने मिडिल ईस्ट आई नाम की एक वेबसाइट पर अपना एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों पर एक असाधारण खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा खतरा जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की है, और वहां हालात ठीक वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे रवांडा में देखे गए थे। पत्रकार ने ये अपने लेख में ये भी लिखा कि जेनोसाइड वॉच नाम की संस्था, जिसके संस्थापक माने जाते हैं जॉर्ज स्टार्टन, ने भी भारत में मुसलमानों के नस्ली सफाई की आशंका जताई है। और ऐसा उन्होंने आशंका ऐसे ही नहीं जताया बल्कि ठोस बुनियादी कारणों के हवाले से बताया। इससे पहले रवांडा में होने वाली जो खौफनाक दर्दनाक तस्वीरें थीं वो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे नफरत में और फेक न्यूज के जरिए किसी एक कौम को टारगेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गौर करना होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। आपको याद करना होगा हरिद्वार में जब धर्म संसद के नाम पर एक खास कम्युनिटी यानी मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया, हथियार ले लेकर मुसलमानों को काटने मारने उनको तड़पाने और यहां तक कि उनके नस्ली सफाई की बात कही गई हथियार के सहारे, और उसके बाद जो घटनाएं घटनी चाहिए थी उसके बाद जो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए था सत्ता के जरिए सरकार के जरिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन पर मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ, फिर चंद दिनों के बाद वो बाहर आ गए और हालत यह है कि उसके बाद उन्होंने और भी जगहों पर धर्म संसद किया उसी पैटर्न पर, और वहां भी शपथ लिए गए, वहां भी नफरती भाषण दिए गए, केस भी दर्ज हो गए, मुकदमे भी दर्ज हो गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपको बता दें कि जो पत्रकार हैं सीजे वर्लमैन, इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ठीक उसी शैली में काम कर रही है जिस शैली पर रवांडा में 1990 के दशक में ये काम हुआ था, नरसंहार जैसा काम हुआ था। वहां होलो कबीले से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रपति का विमान गिरा दिया गया जिसके बाद टोटली कबीले का भयानक रूप से नस्ली सफाई किया गया, क्योंकि टोटली कबीले पर इल्जाम लगा कि ये लोग उससे नापसंद करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से राष्ट्रपति की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे तरीके से संगठित तरीके से बाकायदा टोटसी कबीले का नरसंहार किया। जो पत्रकार सीजे वर्लमैन है वो ये भी कहते हैं कि जो लक्षण रवांडा में दिखाई दे रहे थे वही लक्षण आज भारत में नजर आ रहे हैं।
यानी कि वे भारत में अभी भी बहुत बड़े खतरे का अंदेशा जता रहे हैं। भारत में भी मुसलमानों को आक्रांता के रूप में पेश किया जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये सीजे वर्लमैन कह रहे हैं कि भारत में भी मुसलमानों को आक्रांता के रूप में पेश किया जा रहा है और उन्हें देशहित के लिए खतरा बताया जा रहा है। जैसे ही कोई घटना हो जाती है उसका उदाहरण बनाकर मुसलमानों के खिलाफ आरोपों को और भी मजबूत बनाने की कोशिश होने लगती है। उन्होंने अपने लेख में ये भी लिखा कि भारत में उदयपुर में दो मुस्लिम लड़कों ने हाथों से जब एक हिंदू दर्जी की हत्या हो जाती है तो उसके बाद फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया पर एक बयान आने लगा कि सावधान रहो, तुम्हारे पड़ोसी फलां हैं। गुजरात में भी फलाना पड़ोसी थे, उदयपुर में भी फलाना पड़ोसी थे, उनके यार थे, उनके दोस्त थे, जो भी थे मुसलमान थे, लेकिन वो करीब ही रहे होंगे हिंदुओं के, जिसके बाद उन्होंने हत्या कर दी, जिसके बाद उन्होंने मर्डर कर दिया। सिर्फ तन से जुदा कर देने वाली घटनाएं घटने लगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, यानी कि एक मन में जहर भरा जा रहा है। इसी को एक तरह समझ लीजिए कि वो उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि उदयपुर में जैसी घटना हुई उसके बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाने पर बनाया जाने लगा, निशाने पर लिया जाने लगा। मुसलमानों पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ऐसा सीजे वर्लमैन ने अपने आर्टिकल में कहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो संगठन मुसलमानों के खिलाफ एक्टिव हैं वही नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने में सबसे कारगर साबित रहे हैं, यानी वो लोग दक्षिणपंथी संगठन हैं और वो मोदी जी को सपोर्टर हैं, मोदी जी उनको सपोर्ट करते हैं और वो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। सीजे वर्लमैन ये भी कहते हैं कि मोदी को अच्छी तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान का काल्पनिक खतरा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काफी है, यानी पाकिस्तान का हवाला देकर हिंदू खतरे में आए वाला डायलॉग केवल हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जबकि उनका कोई दुश्मन नहीं है, जबकि पाकिस्तान नाम का एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है, हिंदू खतरे में है जैसा डायलॉग उछाल दिया जाता है और हिंदू हिंदू मोदी मोदी गाने लगते हैं। ऐसा ही मामला आजकल देखने में लगता है। और सुनिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हर छोटी बड़ी घटना को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करने से जो है सत्ताधारी लोग नहीं चूकते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि बहुत से विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट ने भारत में किसी भी वक्त मुसलमानों के नस्ली सफाए शुरू होने की आशंका जताई है और इसके लिए उन्होंने ये भी बताया है कि इस नरसंहार को शुरू करने के लिए कोई भी बहाना हो सकता है, कोई भी घटना बस एक शुरुआत हो सकती है नस्ली सफाए की। जैसा कि आप देख रहे होंगे देश में हालात किस तरह किस कदर किस बुरे दौर से गुजर रहा है देश हमारा और हालात बदलते जा रहे हैं। सीजे वर्लमैन ने आगे ये भी कहा है कि मोदी सरकार अपना एजेंडा जोरों शोर से चला रही है, दूसरों की आवाज कुचल देती है। मुस्लिम पत्रकारों को केवल खामोश ही नहीं कराया जाता बल्कि जो अपना वो प्रोफेशन करते हैं, जो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी जो न्यूज को रिपोर्ट करते हैं उसको अदा करने पर भी, उस जिम्मेदारी को अदा करने पर भी उनको जेल में ठूंस दिया जाता है। जैसा कि आप मोहम्मद जुबैर के मामले में देख सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर को किस तरीके से परेशान किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और मामला कुछ भी नहीं निकला, हल कुछ भी नहीं निकल रहा। सरकार की आलोचना करना फिलहाल सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है और खास तौर से उनके लिए जो पेशेवर तरीके से पत्रकार हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। और भी सुन लीजिए, इस मामले में ठीक एक हफ्ता या 8 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट आई थी ऐसे कि भारत के ही एक अमेरिकी राजदूत हैं रशद हुसैन, और रशद हुसैन ने भी इसी नरसंहार का जिक्र किया। यानी सोच लिए, पूरी दुनिया जान चुकी है और पूरी दुनिया इस चीज का अंदाजा लगा रही है कि भारत किस हालात से गुजर रहा है और भारत में किस नस्लीय नरसंहार की तैयारी चल रही है। लेकिन हमारे मोदी जी विश्वगुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि इस तरीके से अरब देशों के साथ भारत के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हालात बदल रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के पूरे देश में हिंसक माहौल बना हुआ है। रोजाना कोई ना कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है फेसबुक पोस्ट करने पर, नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलने पर। लेकिन देखिए, जिसके वजह से हंगामा हो गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि एक महिला पूरे बवाल की जड़ है, लेकिन अभी भी उस महिला की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसको ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना किसी में गिरफ्तार करने की हिम्मत आएगी। कई राज्यों में FIR भी दर्ज हुआ है, समन पर समन जा रहे हैं, बुलावा हो रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा एकदम ठाट से
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ सत्ता हो, जिसके साथ हुकूमत हो, जिसके साथ सरकार हो, उसको क्या दिक्कत है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।